ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पढ़ेंगे आज हम इक्वो पोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्वो पोटेंशियल सरफेस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इक्वो मतलब इक्वल। ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो उन सरफेस को बोलेंगे इक्वो पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्वो पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब देखो इक्वो पोटेंशियल कैसे बनाएंगे। मान लो मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, कोई पॉइंट चार्ज है Q। अब इस फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर के क्यू बाय आर। तो आर डिस्टेंस पर जैसे पॉइंट दिया मैंने, ये ऐसे पॉइंट आएंगे ऐसे बहुत सारे इक्वल डिस्टेंस पर, तो इस तरह की इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सरफेस बनेगी। ये 2D में नहीं है, 3D में देखो इसको। 3D में हवा में चार्ज रखा हुआ है और इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स है, तो ये जो सरफेस बनी, इस सरफेस पर इस किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो सब पे फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाय आर, और सब आर डिस्टेंस पर ही है तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वो पोटेंशियल सरफेस। इस तरह से ये EPS 1 हो गई, ये EPS 2 हो गई। ठीक है, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस है। और कैसी है इनकी शेप, कैसी है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल EPS, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल EPS बनेगी। अगर मैंने कोई लाइन चार्ज ले लिया, मतलब एक रॉड ले ली, तो उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो सरफेस बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे करके सिलेंड्रिकल। ये क्या हो जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल ईपीएस। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ रखा है, वेव ऑप्टिक्स किस किसने पढ़ा था, तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में बात करी थी। सेम सर। कंसेप्ट है, सेम ईपीएस भी वैसे ही बिहेव करती है। वेव फ्रंट जहां पे सभी पॉइंट का सेम फेज में हो, उनका लोकस आपका वेव फ्रंट होता था। इसमें सभी पॉइंट का पोटेंशियल लोकस, जिनका पोटेंशियल सेम हो, वो आपका क्या होता है, इक्वो पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल ईपीएस। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इस तरह मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कल कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे, इस तरह से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वही बी पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर आपके इस तरह से पैरेलल लाइंस आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसमें जो ईपीएस बनेगी वो कैसे ईपीएस बनेगी, इस तरह से। इसे बोलेंगे प्लेनर ईपीएस, इसे बोलेंगे प्लेनर ईपीएस, प्लेनर ईपीएस। आई बात समझ में कुछ। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जैसे क्यू चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी इससे, और इस पे ईपीएस कैसे बनाई थी मैंने ऐसे करके। तो जो सरफेस है और इसके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वल पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो
वो हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब ईपीएस जो है वो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस, इक्वो पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्यू डेल्टा वी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? क्यू डेल्टा वी। तो मान लो ये ईपीएस है, तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर और ये पॉइंट पर बी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहो तो निकाल सकते हो आप ऐसे, ऐसे ईपीएस है, दो ईपीएस। तो ए से बी तक लाने में ए का पोटेंशियल वही है बी का पोटेंशियल, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी माइनस वी ए। तो ए और बी का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि ए पर भी वही पोटेंशियल है बी पर भी वही पोटेंशियल है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम ईपीएस, सेम ईपीएस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं इस ईपीएस से दूसरे ईपीएस में जा रहे हो, सेम ईपीएस इज जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यू डेल्टा वी आपका जीरो होगा, वर्डन इक्वल टू होता है क्यू डेल्टा वी फॉर सेम ईपीएस। अगर ईपीएस सेम है आपकी तो उसके लिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। फॉर सेम ईपीएस डेल्टा वी आपका जीरो होगा, इससे वर्डन क्या होगा? जीरो आएगा। बट इन मूविंग फ्रॉम, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन ईपीएस टू, एक ईपीएस से दूसरे ईपीएस पे ले जाने में, फ्रॉम वन ईपीएस टू अनदर ईपीएस इज नॉट जीरो। अब जीरो नहीं होगा, मान लो क्यू चार्ज है इस ईपीएस से इस पॉइंट पे ले जा रहे हो आप, ए से सी पर, ये बी पॉइंट है जब, तो ए से बी पर तो कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन ए और सी का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो यहां पर वर्क डन आएगा। आई बात समझ में? अगली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, जैसे ये क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, तो इसकी ईपीएस कैसे बनेगी? ऐसे ये ए पॉइंट है, सपोज करो ये बी पॉइंट है, कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पर बी पर? कहां पे पोटेंशियल ज्यादा? वी बराबर होता है के क्यू बाय आर, जिसका आर कम होगा उसका वी ज्यादा होगा। तो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पर। ए पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ए पे पोटेंशियल ज्यादा बी पर कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा इजी, फिर बाद में थोड़ा टफ टफ करेंगे। इस तरह से मुझे ईपीएस दे रखी है, एक ईपीएस ये, एक ईपीएस ये, एक ईपीएस ये। ईपीएस है तो इनमें पोटेंशियल अलग अलग होगा। इस वाले ईपीएस का पोटेंशियल है -10 वोल्ट, इसका है 0 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट। इन दोनों ईपीएस के बीच में डिफरेंस है 10 मीटर, इनके बीच में भी डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे क्या, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाई कौन सा, ये लो ये है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं ए, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है लाइन, ध्यान रखना, मैंने थोड़ी टेढ़ी बना दी है। लाइन जो होती है वो ईपीएस के परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये पॉइंट होगा आपका मान लो ए, ये पॉइंट होगा आपका बी। तो ई और वी के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा था पहले, ए से बी की तरफ मूव करता हूं मैं, तो देखो वी ए माइनस वी बी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज ई डी कॉस थीटा पढ़ा था आप लोगों ने। ई डिस्टेंस कितनी है 10, कॉस क्योंकि इधर ही जा रहा हूं मैं ए से बी की तरफ, कॉस 0 डिग्री। वी ए कितना है आपका 10, बी बी कितना है 0, ई 10, तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 न्यूटन पर कूलाम। ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप तो इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव माइनस एक्स की तरफ है, तो माइनस लगा दोगे आप, ठीक है। आया समझ में, अब एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, वो आप लोगों को करना है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक ईपीएस ऐसे, एक ईपीएस ऐसे, एक ईपीएस ऐसे, ठीक है। इस तरह से ईपीएस दे रखी है आपको, मान लो ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, ये -20 वोल्ट, 20 वोल्ट 0 वोल्ट -20 वोल्ट, ठीक है। और हमें इस ईपीएस का एंगल दे रखा है, मान लो ये ईपीएस जो है वो 53 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां से ये एंगल कितना बन रहा है, 53 डिग्री का एंगल बन रहा है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। करो कैसे करोगे, डिस्टेंस देना भूल गया, सॉरी, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ले लेते हम लोग दो ईपीएस के बीच में 50 सेंटीमीटर ले लेते। डिस्टेंस ऐसे लिए, ऐसे नहीं ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ईपीएस के परपेंडिकुलर होती है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ये 53 है, तो ये एंगल कितना होगा, 37।
एंगल कितना हो गया आपका 37 डिग्री, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये एंगल कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इंटू 50 इंटू कॉस 37, 50 इंटू कॉस 37, तो 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो दोनों ईपीएस के बीच में डिस्टेंस होगी 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, वो सेंटीमीटर में आया, ये चीज का ध्यान रखना। तो ए से बी जा रहे हम लोग, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई ए, ए कितना आया 40, सेंटीमीटर में आया, मीटर में कन्वर्ट करो, कॉस 0, वी ए कितना है 0 माइनस वी बी कितना है माइनस 20, यहां से ई आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल 4/10, इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10/4, 4×5 = 20, दैट इज 50 N/C, यह आया आपका किसमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें वेक्टर फॉर्म में, तो ई वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा मैं 50 cos 37 आई कैप प्लस 50 sin 37 जे कैप, कॉस 37 तो 40 आ जाएगा इधर, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम, आई बात समझ में। ठीक है, यहां पर माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, एक तो प्लस एक्स की तरफ ठीक है, लेकिन एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पे माइनस आएगा 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप होगा, ठीक है, 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम।